आप लोग बताइए, मेरे घर के पास 3 कोविड पॉजिटिव केस हैं जिनका डेथ भी हो गया। मैं बताओ मैं क्या करूं, मैं एग्ज़ाम कैसे दूं नीट का? अब बताओ JEE और नीट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कैसे देंगे बच्चे जो कंटेनमेंट जोन में है, जिनके आसपास डेथ हो गए हैं कोविड पेशेंट्स की। अब बताइए मैं क्या करूं, मेरे घर के पास 3 डेथ्स हो चुकी है जो कोविड कन्फर्म्ड केस है, जो हॉस्पिटल में जाके जिनकी डेथ हो गई है। मैं बताओ मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टपोन तो होगा नहीं, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, मेरा वो भी आ गया है हॉल टिकट भी आ गया। मैं बताऊं क्या करूं, आप ही लोग बताओ यार। और मैं सुप्रीम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लस ऑनरेबल आवर रमेश पोखरियाल सर जो MHRD मिनिस्टर है, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर अभी पेंडेमिक के टाइम सर एग्ज़ाम कुछ भी हो एग्ज़ाम मत लीजिए। इलेक्शन भी हो रही है सर, इलेक्शन वो अदर मैटर है, इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अभी बताइए मिस्टर रमेश पोखरियाल सर प्लस ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप ही बताइए सर हम क्या कर सकते हैं। सर मेरे घर के आसपास सर 3 कोविड केसेस मिले थे जिनकी डेथ्स हो चुकी है। अब मैं बताऊँ मेरे घर में कंटेनमेंट जोन में आ गए सर, क्या बताऊँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ऊपर से टेंशन अलग सताई जा रही है, मेरे मॉम डैड ब्लड शुगर के पेशेंट है। अब बताइए मेरी मॉम को हेपेटाइटिस ए है, साथ में ब्लड प्रेशर भी है, और उनका 4-4 बार ऑपरेट हो चुका है, उनका इम्यून सिस्टम एकदम कमज़ोर है। मम्मा का गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ था जो कि रिमूव कर दिया गया सर्जरी के थ्रू। अब बताइए सर मेरे घर में अगर मेरे को कोविड पॉजिटिव हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा सर, आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे सर। अब बताइए सर अगर मेरे मॉम डैड को अगर कुछ होता है मैं तो अनाथ बन जाऊँगा ना सर, मैं ही अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, इकलौता हूँ सर, ऐसे मेरे जैसे कितने बच्चे होंगे सर। चलो मेरी बात तो छोड़ो सर, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बता सकते हैं, स्टूडेंट हमारे मतलब स्टूडेंट की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट की जो वैल्यू है सर ख़त्म हो चुकी है, टोटली लॉस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। 90% स्टूडेंट नहीं चाहते कि एग्ज़ाम हो, 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते कि एग्ज़ाम हो, अब जिनको डर नहीं है। बाकी सर रेशियो देखो, मेजोरिटी देखो सर, कितने परसेंटेज बन रहे हैं सर एग्ज़ाम कैंसिल होने के। अब बताइए सर अब न्यूज़ में भी इतना हो रहा है, मैं क्या बताऊँ सर, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 कन्फर्म डेथ हो गए मेरे घर के पास, मॉम डैड लोग इतना मेरे डरे हुए हैं, फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को एग्ज़ाम हॉल एग्ज़ाम देने, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मैं क्या करूं। टोटल 3 डेथ सर कम बात है सर, मेरे घर के पास ही हुआ है, जस्ट 5 या 6 घर छोड़ के। अब बताइए सर पता है सर इस सेशन सबका थोड़ा लेट होगा सर, बट जान भी तो प्यारी है सर, एग्ज़ाम तो होते रहेंगे सर, लेकिन एक बार अगर मर गए कोई लड़का जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा है, साइलेंट अटैकर साइलेंट कोविड पेशेंट्स भी आ रहे जिनका कोई सिम्टम्स नहीं है और हो उनको कोविड पॉजिटिव रहता है, न्यूज़ में आए दिन बोल रहे हैं सर ABP न्यूज़ वाले। और आप ही बताइए सर मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप ही लोग बताइए सर। वो अलग बात है कि आप लोगों को कराना है अपना सेशन पूरा करना है सर, बट इंसान की जान भी तो सर प्यारी है सर, एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं सर, लेकिन एक बार इंसान गया तो उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आप मेरे को रिटर्न में दीजिए सर, मैं मान जाऊँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में अगर एक भी बच्चा अगर ना कोविड पॉजिटिव हो तो मैं मान जाऊंगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा। आप क्या तब अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि
हम क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम लेने के टाइम सर, आप ये काहे को मैं अपना हॉल टिकट भी दे दे रहा हूँ सर, और इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ सर, मैं तो खुद दे रहा हूँ ना सर, मैं खुद दे रहा हूँ, मैं खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का बच्चा हूँ जो मैं देने जा रहा हूँ इस सेशन में 13 सितंबर 2020 नीट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट जो होता है हमारा नीट फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। हम डॉक्टर बनेंगे आगे चल के, तब तो हम शपथ लेंगे कि हम बचाएंगे, लेकिन सर अभी तो हम उस मेडिकल फील्ड के बारे में बस 30% नॉलेज है हम लोगों को, बस उससे ज़्यादा है नहीं। और सर ये जो है स्प्रेड वाला है, ये कॉन्टैक्ट वाला बीमारी है सर, अगर मेरे को हुआ अब मेरे आसपास जो कॉन्टैक्ट में रहेंगे उन लोगों को हो जाएगा, ये स्प्रेड आउट होगा फिर ये पेंडेमिक सर, पूरा सेशन ही हम लोगों का सर बेकार जा रहा है इस पेंडेमिक के कारण सर। आप लोग एग्ज़ाम ले रहे और साथ में या तो फिर ऑनलाइन मेथड कर दीजिए ना एग्ज़ाम देने का, ऑनलाइन मेथड कर दीजिए जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वैसे ही इसको भी ऑनलाइन कर दीजिए। रही बात सर इलेक्शन की, इलेक्शन भी ऑनलाइन हो सकता है सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, और मैं अपने होनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस सेशन रोक दीजिए सर, कोविड पेंडेमिक के कारण आप भले हम लोग अगले जब तक पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता तब तक सर आप लोग कुछ तो रियायत दे दीजिए सर। छत्तीसगढ़ में सर आप क्या बताऊँ सर, कोविड पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हर जगह इंडिया में, उस पर कोई दोहराव नहीं है कि पूरा वर्ल्ड में सर ना जाने कितने डेली डेथ्स हो रहे हैं, डेथ रेशियो ज़्यादा है, और हमारे इंडिया में डेथ रेशियो 40% है, रिकवरी रेट ज़्यादा है, बट सर कोविड पॉजिटिव होता है सर उसको समाज में कोई ढंग से देखता नहीं है, हर उसको कोविड पॉजिटिव हो गया उससे दूर रहो, एक अलग ही सर वो समाज वाले सर देखते हैं, आसपास पड़ोसी लोग अगर ठीक भी हो जाओगे तो भी सर शक की निगाह से देखेंगे सर, आप ही बताइए सर। और प्लाज्मा थेरेपी सर वो सिर्फ नेता लोगों के लिए अवेलेबल है, नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं।